लोगारिथम्स, लोगारिथम्स दो टाइप का होता है। सबसे पहला होता है नेचुरल लोगारिथम्स। नेचुरल लोगारिथम्स वो लोगारिथम्स होता है जिसके बेस में ई होता है। ई एक कांस्टेंट है। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे मोस्टली कैलकुलस वाले पार्ट में डील किया जाता है। तो जब भी हम लोग आगे लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन ये सब करेंगे, वहां पे जो भी लोगारिथम का यूज होगा वो नेचुरल लोगारिथम होगा। यहाँ पे हम लोग बेस ई लेते हैं। ई एक कॉन्स्टेंट है जिसका वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है। ये क्या समथिंग होता है, एग्जैक्ट क्या वैल्यू है, ये तुमको जानने का कोई जरूरत नहीं है। तुमको बस ये पता होना चाहिए कि नेचुरल लोगारिथम इज बेसिकली लॉग ऑफ एनीथिंग टू द बेस ई। मतलब अगर कोई बेस नहीं गिवन है तो तुम बेस क्या अज्यूम करोगे, ई। ऐसा हम लोग नेचुरल लोगारिथम में करते हैं। लेकिन जो दूसरा वेराइटी का लोगारिथम होता है, जो कि इस चैप्टर का मेन कंसर्न है, वो है कॉमन लोगारिथम। कॉमन लोगारिथम बेसिकली जो भी हमारा लॉग टेबल्स या पिछला जो भी हमने लॉग सम्स किया है जिसका बेस को 10 लिया जाता है। तो कोई भी ऐसा चीज जिसका लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस 10 होगा उसको हम लोग कॉमन लोगारिथम बोलते हैं। सो कॉमन लोगारिथम इज बेसिकली इस चैप्टर का पार्ट है। जब भी लॉग का बेस नहीं गिवन होगा तुम बेस 10 अज्यूम करोगे। लेकिन जो कॉमन नेचुरल लोगारिथम है वो बेसिकली कैलकुलस वाले का पार्ट है, जहां पे अगर बेस नहीं गिवन होगा तो हम लोग बेस ई अज्यूम करेंगे। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है लॉग टेबल्स। बेसिकली हम लोगों को एक वैल्यू दिया जाएगा, सपोज लॉग 5, और हम लोगों को उसका कैलकुलेट करना है कि आंसर क्या होगा। तो वो हम लोग को लॉग टेबल के मदद से कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अभी तक हमने जो भी सम्स किया है वो एक्स या जस्ट वैल्यूज नहीं आ रहे थे, लॉग में आंसर रह जा रहा था। पर अब हम लोग एक्चुअल उसका वैल्यूज निकालेंगे। इसके लिए लॉग टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हारे बुक्स के पीछे दिया हुआ रहेगा, अलग से एक बुक आता है लॉग टेबल का। हो सकता है स्कूल तुमको वो प्रोवाइड करे, या फिर एग्जाम के वक्त हो सकता है तुमको एक शीट ऑफ पेपर जिसमें लॉग टेबल प्रिंटेड हो वो दिया जा सकता है। तो किसी भी वर्जन में तुमको लॉग टेबल याद नहीं करना है, वो तुमको प्रोवाइड किया जाएगा। अब सीधा सीधा मुद्दा ये है कि रूल्स क्या है वो तुमको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। तो एक अगर लॉग हम लोग को निकालना है एक पॉजिटिव नंबर एन का, सपोज लॉग 10, लॉग 10.75, ऐसे कुछ भी नंबर है उसका हम लोग को लॉग निकालना है। तो हमको दो चीज निकालना है लॉग के अंदर। सबसे पहला है इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल मतलब इंटीजर, उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले कैलकुलेट करना है जो कि उसका इंटीजर पार्ट है, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, एनीथिंग इज पॉसिबल। जबकि जो तुम्हारा दूसरा पार्ट है जो कि जीरो या पॉजिटिव नंबर लेस देन वन, मतलब डेसिमल हो गया, जीरो हो सकता है या फिर पॉजिटिव नंबर लेस देन वन, कोई भी नंबर जो कि पॉजिटिव है और लेस देन वन है वो डेसिमल नंबर्स हो गए, 0.52, 0.739, कुछ इस टाइप का। सो बेसिकली इसको हम लोग मैंटेसा बोलते हैं। तो वंस यू हैव बोथ द थिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटेसा, तुम कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटेसा करोगे तुम्हारा लॉग आ जाएगा। सपोज ऐसी रैंडमली बोल रहे, सपोज कैरेक्टरिस्टिक निकला 2, मैंटेसा निकला 0.52, तो हम लोग इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2.52। तो तुम सिंपली इनको ऐड कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नाउ कमिंग की कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक निकालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके रूल्स होते हैं, वो रूल्स याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला रूल है इफ द नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर वो जो तुमको क्वेश्चन में लॉग ऑफ समथिंग दिया हुआ है, वो जो समथिंग है, वो जो नंबर है, वो जो नंबर एन है, वो ग्रेटर देन 1 है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल 4.325, 93.04, 754, 6781, ऐसा कोई भी नंबर गिवन है जो कि 1 से बड़ा है, तो वैसा सिचुएशन में कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलता है, नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल -1। तो डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स है, जितना डिजिट्स है, नॉट वैल्यू क्या है उसका, कितने डिजिट्स है काउंटिंग, और उतने डिजिट्स का जो वैल्यू आंसर आता है उसमें से 1 माइनस कर दो। जैसे इस पर्टिकुलर नंबर में डेसिमल के पहले लेफ्ट साइड में कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो 1 - 1 दैट इज 0। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 0। इसमें दो डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया 2 - 1 दैट इज 1। इसमें कोई आर्ग्यू कर सकता है सर डेसिमल ही नहीं है, डेसिमल हमेशा होता है, कोई नंबर का अगर डेसिमल नहीं दिया इसका मतलब लास्ट में डेसिमल है, ये तुम अज्यूम कर सकते हो। 35 का मतलब होता है 35.0, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो इसका डेसिमल के पहले कितने डिजिट हुआ, 3, 3 - 1 दैट इज 2। इसमें डेसिमल के पहले कितना डिजिट हुआ, 4, 4 - 1 दैट इज 3। तो इस तरीके से तुम कैरेक्टरिस्टिक निकालते हो। कैरेक्टरिस्टिक निकालने का पहले तुमको चेक करना है वो जो गिवन नंबर है
वो तुम्हारा ग्रेटर देन वन है या इक्वल टू वन है क्या, लेकिन अगर लेस देन वन हुआ तो उसका डिफरेंट मेथड है। इफ द गिवन नंबर इज लेस देन वन, वन के बराबर भी नहीं, वन से कम, तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ जीरोस जस्ट आफ्टर द डेसिमल, डेसिमल के बाद कितना जीरोस आता है, जितना काउंटिंग में जीरोस आता है उसमें प्लस वन करो और उसका एक नेगेटिव कर दो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये नंबर 0.1395, ऑब्वियसली ये वन से कम है, तो इसके डेसिमल के बाद कितना जीरो आता है, जीरो, एक भी जीरो नहीं आया, जीरो प्लस वन दैट इज वन, और बाहर में एक नेगेटिव लगा दिया तो माइनस वन हमारा आंसर हो गया। वैसे ही 0.0257, तो डेसिमल के बाद कितना जीरो आया, एक, वन प्लस वन दैट इज टू, तो माइनस टू हो गया। डेसिमल के बाद कितना जीरो आया, एक दो तीन चार जीरो आया, फोर प्लस वन फाइव, तो माइनस फाइव हो गया। यहां पे जब भी हम लोग लिखते हैं तो हम लोग ऐसे माइनस वन नहीं लिख के ऐसे लिख देते हैं, वन पे एक बार, इसका मतलब माइनस वन होता है इस चैप्टर में, वैसे यहां पे टू पे एक बार, वैसे यहां पे फाइव पे एक बार, और इस तरीके से हम लोग डेसिमल वैल्यूज प्लेस कर देते हैं, तो सॉरी नेगेटिव वैल्यूज को इस तरीके से लिखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक का दो रूल्स है, पहले जो तुमको नंबर गिवन है चेक करो क्या वो नंबर ग्रेटर देन वन है, तो ये वाला रूल अप्लाई करना है, अगर वो नंबर लेस देन वन है तो ये वाला रूल अप्लाई करना है, और तुम्हारे पास तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। रूल्स टू फाइंड मैंटिसा, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाल लिया, अब हम लोग को मैंटिसा पे फोकस करना है, तो मैंटिसा कैसे निकलेगा, सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को भूल जाओ, एक एग्जांपल लेते हैं 4.325, तो डेसिमल को भूल जाओ कि डेसिमल एग्जिस्ट करता है, तो 4325। इसके बाद कंसिडर द फर्स्ट फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली, सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जब आप डेसिमल रिमूव कर देते हो और उसके बाद जो काम के फिगर्स बचते हैं उनको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा क्वेश्चन में 0.0123 गिवन होता, तो जैसे ही तुम डेसिमल रिमूव करोगे 00 का कोई अहमियत नहीं रहेगा, तो वो गायब हो जाएगा, तो बेसिकली 1, 2, 3 वुड बी द सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये लोग बोलना चाह रहा है कि हम लोग को चार सिग्निफिकेंट फिगर्स लेना चाहिए, तो बोल रहा है अगर चार नहीं हो तो क्या करें, तो बोल रहा है लास्ट में जीरो ऐड कर दो, बोल रहा है राइट जीरोस इन द एंड ऑफ द नंबर इफ नेसेसरी, तो अगर आपके पास चार नहीं आ रहे तो लास्ट में एक जीरो डाल दीजिए, एक दो तीन जितना जीरो डालना पड़े डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर चार लेना होगा आपको। अब सवाल ये उठता है कि इन चार का करेंगे क्या, तो इन चार का मदद से, ये जो चार हम लोग के पास नंबर्स है 4, 3, 2, 5, इसके मदद से हम लोग लॉक टेबल देखेंगे और लॉक टेबल में क्या वैल्यूज आता है उसके हिसाब से हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लॉक टेबल में चेक करेंगे 4, 3, तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम है उसमें 4, 3 देखेंगे, और 4, 3 का 3, 4, 3 43 का 2 का 5, इस तरीके से याद करो 43 के 2 का 2 का 5, तो 43 फर्स्ट कॉलम में हम लोग चेक करेंगे 43 का 2, तो यहां पे 2 का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 का वैल्यू आ रहा है 6355, तो 43 के 2 का वैल्यू आ रहा है 6355, और इसका 5 का वैल्यू है हमारा 5, लकीली 5 का वैल्यू 5 है, तो 6355 प्लस 5 कर देंगे, ये तुम मन में भी कर सकते हो लिख के भी कर सकते हो, 6355 प्लस 5, तो 6355 प्लस 5 क्या होगा, 6360। अब अगर तुम नोटिस करोगे तो हम लोगों का मैंटिसा लेस देन वन होना चाहिए था, तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, इसके आगे एक जीरो पॉइंट लगा देना है, और ये हमारा मैंटिसा आ गया। कोई भी चीज का मैंटिसा निकाला जा सकता है, बस लॉक टेबल के रूल्स को फॉलो करो, आराम से हो जाएगा। फाइंड द फॉलोइंग, सबसे पहला लॉक टू, तो अब की बार जो भी अगर तुम्हारे मन में कोई भी डाउट्स था कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक निकलना है, कैसे मैंटिसा निकलना है, कुछ और एग्जांपल चाहिए, तो इन क्वेश्चंस के मदद से हम लोग उसको थोड़ा और डिटेल स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहला है लॉक टू, फर्स्ट में मैं थोड़ा डिटेल में लिख के बता रहा हूं, उसके बाद मैं स्पीड अप करूंगा प्रोसेस, बिकॉज एग्जाम में इसके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने, ये क्वेश्चन के पार्ट होंगे, तो वैसा सिचुएशन में तुमको इतना डिटेल्स में लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट इन केस अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो बेटर होगा तुम डिटेल में लिखो। तो सबसे पहले लॉक टू हम लोग को निकालना है कैरेक्टरिस्टिक दूसरा हम लोग को निकालना है मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक, क्या ये नंबर ग्रेटर देन वन है, यस।
तो अगर ग्रेटर देन वन है तो कैरेक्टरिस्टिक होता है डेसिमल के पहले जितने डिजिट्स है माइनस वन, डेसिमल के पहले एक डिजिट है, वन माइनस वन दैट इज जीरो, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया हमारा जीरो। उसके बाद मैंटेसा, अब हम लोग डेसिमल को भूल गए और जितना जीरो लगाना है मन में तुम रफ में सोच सकते हो, 2000, 3 2 0 चाहिए तो 2000 पे फोकस कर रहा है, 20 के जीरो का जीरो, लास्ट वाला जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 20 का जीरो ये तुमको अपने लॉग टेबल में देखना होगा। तो अगर तुम लॉग टेबल में देखोगे तो 20 का जीरो वुड बी 3010, कुछ और ऐड करना नहीं है क्योंकि आगे का जो नेक्स्ट लास्ट वाला पार्ट है उसमें जीरो होता ही नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 20 का जीरो दैट इज बेसिकली 3010, तो वहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और लिख देंगे मैंटेसा क्या हुआ, 0.3010। तो अगर जीरो चार नंबर नहीं एग्जिस्ट करता तो जीरो लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग का लॉग टू वुड बिकम 0.0 कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल के बाद का 3010, तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटेसा इज बेसिकली लॉग। इसी तरीके से बाकी भी करेंगे पर अब की बार 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 कैरेक्टरिस्टिक और मैंटेसा ऐसे नहीं लिखेंगे, अब हम लोग सीधा कर जाएंगे लॉग 59 कैरेक्टरिस्टिक, क्या ये नंबर ग्रेटर देन वन है, यस, वन से ग्रेटर है तो डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, दो, माइनस वन करोगे तो क्या आएगा, वन, तो ये तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक हुआ पॉइंट। मैंटिसा के लिए तुमको क्या देखना है, लॉग टेबल, लॉग टेबल में क्या वैल्यू देखोगे, 59 का जीरो, इस तरीके से याद करो तुमको इजी पड़ेगा, 59 का जीरो, तो लॉग टेबल में अगर हम 59 का जीरो देखेंगे तो आएगा 7709, तो 59 का जीरो इज 7709, तो ये हो गया 7709, डन। नेक्स्ट लॉग 7.89, क्या ये नंबर ग्रेटर देन वन है, यस, तो डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, वन, वन माइनस वन क्या हुआ, जीरो, तो कैरेक्टरिस्टिक हुआ जीरो। उसके बाद हम लोग डेसिमल को भूल जाएंगे तो ये नंबर क्या हो गया, 789, तो ये बेसिकली 78 का 9, इस तरीके से याद रखो इट विल वर्क आउट, 78 का 9, तो लॉग टेबल में देखेंगे 78 का 9 दैट वुड गिव मी 8915, सॉरी 78 का 9 8971, 8971, तो ये हमारा मैंटेसा हो गया, तो 8971, तो ये हमारा मैंटेसा हो गया। वैसे ही लास्ट वाला करता है लॉग 92.61, क्या ये नंबर ग्रेटर देन वन है, यस, अगर नंबर ग्रेटर देन वन है तो डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, दो, टू माइनस वन करेंगे वन आएगा, तो हम लोग लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक वन। उसके बाद डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल को भूल जाएंगे तो क्या होगा, 92 के 6 का 1, 9261, तो 92 के 6 का 1, तो जब लॉग टेबल में देखेंगे 92 का 6, 92 के 6 का वैल्यू है 9666, 92 के 6 का वैल्यू है 9666, के 1, 1 का वैल्यू है 0, गुड थिंग, 1 का वैल्यू है 0, तो 9666 प्लस 0 गिव्स मी 9666, तो हमारा मैंटिसा हो जाएगा 9666, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं है, कोई सम के बीच का हिस्सा है, तो तुम डायरेक्टली लॉग 92.61 का ऐसे आंसर लिख सकते हो, लेकिन अगर यही सवाल पूछा है तुमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 92.61, तो बेटर होगा तुम कैरेक्टरिस्टिक मैंटेसा और फिर लॉग इस तरीके से लिखो ताकि थोड़ा बहुत टीचर को भी मार्क्स देने में इजी रहे, ऐसा नहीं लगे कि तुमने कहीं से बस छाप लिया। फाइंड द फॉलोइंग, सबसे पहला लॉग 0.009, तो वही सेम रूल्स अप्लाई करेंगे, एक लिख ले रहे कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मैंटेसा और फाइनली लॉग 0.009 विल बी इक्वल टू। सो पहले फोकस कर रहे कैरेक्टरिस्टिक पे, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या ये नंबर ग्रेटर देन वन है, नहीं, तो क्या ये नंबर लेस देन वन है, ऑब्वियसली यस, तो अगर ये नंबर लेस देन वन है तो रूल क्या है, डेसिमल के बाद कितने जीरोस है, दो, उसमें एक करो प्लस तो तीन और उस पे लगा दो एक नेगेटिव तो 3 पे बार, माइनस को वहां लगाओगे एक ही बात है लेकिन बाद में तुमको बार के साथ ही करना पड़ेगा, तो इसीलिए पहले से ही बार के साथ सीख लो। उसके बाद
डेसिमल को भूल जाओ, तो जैसे ही तुम डेसिमल को भूलोगे ये नंबर क्या बन जाएगा, सिर्फ 9, तो 9 का 0 का 0, तो 90 का 0, 90 का 0, तो तुमको 90 का 0 देखना है, लॉक टेबल में 90 का 0 देखोगे तो 9542, तो 9542, तो हमारा मैंटिसा क्या हो गया, 0.9542। सो बेसिकली अगर मैं इसका लॉक डालूं तो 3 पे बार .9542, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही अब हम लोग पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, जस्ट कॉमन सेंस लगाएंगे, लॉग 0.000425। रूल्स क्या, ये नंबर ग्रेटर देन वन है, नहीं, लेस देन वन है, यस। तो रूल क्या है, डेसिमल के बाद कितना जीरो है, 3, प्लस वन करो 4, तो 4 पे बार, ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक। और मैंटिसा के लिए तो डेसिमल जैसे ही हटाएंगे सारा जीरो का कोई अहमियत नहीं रहेगा, तो ये बन जाएगा 425। 425 का क्या मतलब होता है, 42 का 5, तो लॉक टेबल में हम लोग देखेंगे 42 का 5, तो लॉक टेबल में 42 का 5 है 6284, 42 का 5 है 6284, तो हमारा मैंटिसा हो जाएगा 0.6284, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही लास्ट वाला लॉग 0.00003568, क्या ये नंबर ग्रेटर देन वन है, नहीं, लेस देन वन है, यस। तो लेस देन वन है तो डेसिमल के बाद कितना जीरो है, 4, एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, तो 5 पे बार, और डेसिमल, डेसिमल मैंटिसा के लिए लगाया। अब अगर इस डेसिमल को भूल जाए तो ये सारा जीरो का कोई कीमत नहीं रह जाता है, तो नंबर्स बेसिकली क्या हो जाएगा, 3568000000, इनका होना नहीं होना एक ही बराबर है, तो जिस नंबर्स के होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, जिनके होने नहीं होने से फर्क पड़ता है वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर मैं इसके लास्ट में एक जीरो लगाता हूं, सपोज ऐसा होता, तो अगर ये जीरो हटा देता हूं क्या नंबर बदल जाएगा, यस, 3560 से वो सिर्फ 365 हो जाएगा, नंबर बदल जाएगा। तो वहां पे तुमको ध्यान देना है, बाद के जीरोस इंपॉर्टेंट होते हैं सिग्निफिकेंट के लिए, पहले के जीरोस नहीं होते, बीच के जीरोस भी ऑब्वियसली होंगे इंपॉर्टेंट। सो 3568 मतलब 35 के 6 का 8, तो सबसे पहले 35 लॉक टेबल में 35 का 6 इज 5514 का 8 इज 10, तो 5514 प्लस 10 विल गिव मी 5524, तो हम लोग लिख देंगे 5524, डेसिमल मैंटिसा के लिए हम लोग पहले ही लगा